झी 24 तास एक पाऊल पुढे। चीनच्या साम्राज्यवादाचा एकत्रित मुकाबला करणं गरजेचं आहे असं मत अरुणाचल प्रदेशमधील सामाजिक कार्यकर्ते नाबाम अतुम यांनी व्यक्त केलंय। मुंबईतल्या माय होम इंडिया संस्थेतर्फे अतुम यांचा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांनी त्यांची भूमिका जाणून घेतली। फक्त अरुणाचल प्रदेश नाही तर भारताच्या उत्तर पूर्व भागातील 7 राज्यांमधील एकता सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहावं यासाठी प्रयत्न करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नाबाम अतुम आपल्या बरोबर आहेत। त्यांना नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गौरवण्यात आलेलं आहे। आपण त्यांच्याशी बोलूया। सर, जी 24 तास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितना पाकिस्तान भारतवासियों को पता है, जितना बांग्लादेश पता है, उतना उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य है उनके बारे में भारत के लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। आज भी 50-60 साल के बाद ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं बोल नहीं सकता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है और बहुत कुछ करने का बाकी है। जैसे अभी जो दिल्ली है, बम्बे है, इस तरह का तो नहीं है, लेकिन वो हिली एरिया है। एक गांव में पहुँचने के लिए आपको 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तू मीत में एक 20-30 आदमी को मिलने के लिए लंबा रास्ता रोड बना के जाना पड़ेगा। सो वेरी एक्सपेंसिव। हम ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया जो हमारा गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर रहा है। दे आर वर्किंग, काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और बहुत करने का है। आपको क्या लगता है कि ये काम मैंने किया उसको मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला? ऐसा कोई काम या ऐसा कोई मूवमेंट आप बताएंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चीज है। हम तो बोल नहीं सकता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। अब देखिए, जिंदगी में तो कभी सेटिस्फेक्शन तो आएगा नहीं, है ना? आप जितना अच्छा काम करो, लेकिन चाइना जो है वो अपना जो टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन के लिए उन लोग ट्राई कर रहा है। एंड दे आर क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, चाइनीज का है, पार्ट ऑफ चाइनीज, ये तुआंग वगैरह ये वगैरह वो उनका है। ऐसा नहीं कि चाइना आकर हमको अरुणाचल को ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बट दे आर ट्राइंग, उन लोग कोशिश कर रहा है हमको अरुणाचल को कुछ पर्सन को मिट्टी लेके जाने का, जगह ऑक्यूपाई करने का कोशिश में है। तो उस चीज़ को यानी गवर्नमेंट भी, इंडिया गवर्नमेंट, हम लोग सब मिलकर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हे होते नाबाम अतुम, शेवटच्या श्वासापर्यंत काम करत राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि या पुढच्या काळात अरुणाचल प्रदेशला सगळ्यात मोठा धोका हा। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।